हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट चैप्टर में डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक फेनोमेना है वो हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन का मतलब होता है एक लाइट जब किसी एक ऐसे मीडियम से जाए जैसे कि प्रिज्म से होकर जाए तो वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। इसको समझने के लिए पहले आप लोग ऐसा समझे कि हम जो लाइट देखते हैं वो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाइट लाइट कहेंगे। सूरज से आने वाली लाइट हो या ट्यूब या बल्ब किसी की भी लाइट हो उसे हम लोग व्हाइट लाइट की तरह समझते हैं। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट कहने का मतलब ये सिर्फ व्हाइट कलर ही नहीं है, व्हाइट लाइट में बहुत सारे अलग अलग रंगों का ये एक मिश्रण है। तो ये व्हाइट लाइट जो है ये एक मिक्सचर ऑफ लाइट है। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइट। इस मिक्सचर ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि अलग अलग रंग जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, इस तरह के टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं एक व्हाइट लाइट के अंदर में। तो ये 7 कलर्स है, ये अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। वेवलेंथ क्या है इसके बारे में आप लोगों ने 9 क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़ा है, मगर यहां बता रहा हूं मैं कि 7 कलर्स ऑफ लाइट को जिनका वेवलेंथ सब अलग अलग, इसलिए उनके कलर्स भी अलग अलग है। तो 7 अलग अलग वेवलेंथ के लाइट होते हैं जैसे रेड, ब्लू, क्या होते हैं हम डिटेल्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब कलर्स को जब एक साथ मिलाते हैं, कलर्स ऑफ लाइट जब ये एक साथ मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या है? ये कंपोजिट लाइट है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइटों का मिक्सचर है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक, क्रोमेटिक का मतलब होता है रंग, क्रोम का मतलब रंग होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे रंगों से मिला हुआ है, इसलिए व्हाइट लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और ये रेड, ब्लू, ये सब जो ये एक एक सिंगल सिंगल कलर है तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो लाइट दो टाइप से हो रही है, अगर सिंगल कलर ऑफ लाइट है तो उसे मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर ऑफ लाइट कहने का मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। और अगर वो अलग अलग रंगों से मिला हुआ है तो बहुत सारे मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर मिला हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। क्लियर हुआ? तो व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक। इस तरह से हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट हम लोग कहते हैं। तो यहां पर ये व्हाइट लाइट और ये अलग अलग जो रंग है, ये हम लोग हवा में अगर कभी लाइट देखते हैं तो हमें वो अलग अलग रंग नहीं दिखते, हमें वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट क्यों दिखते हैं? क्योंकि एयर में, एयर को हम लोग कंपेयर करते हैं जनरली वैक्यूम से, एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में ये व्हाइट लाइट के जितने भी कंपोजिट कलर्स जिनसे ये मिलके बना है, 7 कलर से मिलके बना है, ये 7ों कलर एक साथ एक ही स्पीड से चलते हैं तो ये एक साथ हमें मिलकर व्हाइट लाइट दिखते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मीडियम यहाँ पर हम दे दें, मतलब हवा के अलावा कोई एक ऐसा मीडियम जैसे कि ग्लास एक ऐसा मीडियम है, वो मीडियम में जो है वो हम लोग एक बनाते हैं प्रिज्म बनाते हैं। क्या बनता है? प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जब व्हाइट लाइट को जब इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो व्हाइट लाइट हवा में तो व्हाइट है, लेकिन जैसे ही उस ग्लास के अंदर में, प्रिज्म का जो मेटल ग्लास होता है उसके अंदर में जाएगा तो ये व्हाइट लाइट के जो भी कलर है, रेड है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रीन है, ये क्या होंगे, अब एक साथ साथ नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर के अलावा दूसरे जो मीडियम है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, ग्लास का मीडियम हो या वाटर का मीडियम हो, ये सब कलर का वेवलेंथ अलग होने के कारण उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, अलग होती है। तो ये यहाँ पर ग्लास में ये अलग अलग वेलोसिटीज जाना चालू करेंगे। जो जो सबसे हाई वेलोसिटी होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, जो सबसे कम वेलोसिटी होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो एक व्हाइट लाइट को हम लोग अगर दिखाएं, ये व्हाइट लाइट जैसे इसके अंदर में आया, रिफ्रैक्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रिफ्रैक्शन होगा कुछ ऐसा जाता है, ऐसा निकल जाता है। मगर यहां पर अब क्या है, ये जो लाइट है ये व्हाइट नहीं है, अब व्हाइट टूट गया, कितने कलर में टूट गया, 7 कलर्स में टूट गया, जिसमें रेड लाइट होगा। तो ये मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये रेड लाइट है, और जो सबसे नीचे होगा वो वायलेट कलर होगा। तो यहां मैंने ब्लू से ही दिखा रहा हूं, ये वायलेट कलर है। व्हाइट लाइट दो अलग अलग, यहां पर मैंने दो दिखाया लेकिन टोटल कितना होता है, 7 होता है, 7 के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहां पर गौर करें, एक व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से होकर जा रहा है तो वो सबसे ऊपर में रेड लाइट और सबसे नीचे में क्या हो रहा है, ब्लू लाइट में टूट जा रहा है या वायलेट कलर में
टूट जा रहा है। और उसके बाद जब फिर इधर से आएगा तो यही घटना होगा, रेड लाइट नीचे की तरफ ही जाती है, ये रेड लाइट, यहां ब्लू लाइट हो, ये ब्लू लाइट, और इसके बीच में अलग अलग कलर्स होंगे। ये ब्लू को मैंने वायलेट बता रहा हूं और ये रेड बता रहा हूं। तो वायलेट और रेड अलग अलग इस टाइप के लाइट में वो बढ़ जा रहा है, तो इस चीज को ही हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ में है? डिस्पर्शन कहने का मतलब है जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद वो अपने अलग अलग सात रंगों में टूट जाती है। तो सात रंगों में टूट जाने, सात रंग की किरणों में टूट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। और हिंदी में अगर कहें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण कहने का मतलब है क्रोम यानी कि लाइट। तो वर्ण विक्षेपण मतलब अलग अलग रंगों में टूट जाना। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? जब सफेद, परिभाषा सुन लीजिए, जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी यानी कि जो जिनसे मिलकर बने हैं अवयवी सात रंग की किरणों में टूट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये सात रंग कौन कौन से हैं? हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि एक है सबसे, जो सबसे ज्यादा छिटक रहा नीचे की तरफ है वो है वायलेट, और सबसे ऊपर है रेड। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? अगर इसके सामने एक पर्दा रखा जाए, सफेद पर्दा या कपड़े का कुछ भी रख सकते हैं या बोर्ड जैसा है बोर्ड भी रख सकते हैं, तो इस बोर्ड पर आपको अलग अलग रंग का एक अलग अलग बैंड दिखेगा। सबसे नीचे में वायलेट, उसके ऊपर में एक बैंड दिखेगा इंडिगो, उसके ऊपर में ब्लू, उसके ऊपर में ग्रीन, उसके ऊपर में येलो, उसके ऊपर में ऑरेंज और सबसे ऊपर में रेड। तो ये क्रम क्या है? विबग्योर, ऐसे याद रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ है विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये सात रंग से ये एक व्हाइट लाइट मिलकर बना होता है। जब इसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सात अलग अलग रंगों में टूट जाती है, और जब इसके सामने एक हम लोग पर्दा रखते हैं तो उस पर्दे पर ये सात अलग अलग रंगों की पट्टी की तरह बन जाती है, पट्टी बैंड बन जाता है। तो ये जो बैंड बना, ये पूरा रंगीन बैंड आपको दिखेगा, इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। हिंदी में कहें तो वर्णपट, वर्ण मतलब रंग, रंगों की पट्टी, इसलिए से कहेंगे वर्णपट, रंगों की पट्टी। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है? ये सात अलग अलग रंगों की पट्टी है। क्लियर हुआ? तो ये जो सात रंग है आपको नीचे से ऊपर की तरफ याद रखना पड़ेगा। नीचे कौन सा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा छिटकता है। इसीलिए इस व्हाइट लाइट में देखिए सबसे जो ज्यादा छिटका है वो है नीचे की तरफ, वो है वायलेट। और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ इन सब में सबसे ज्यादा है, सबसे हाई वेवलेंथ है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो सबसे कम छिटकता है। तो कम छिटकने वाला ऊपर और सबसे ज्यादा छिटकने वाला नीचे। ज्यादा क्यों छिटक रहा है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। याद रखेंगे, वेवलेंथ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट लाइट के जो स्पेक्ट्रम होते हैं या व्हाइट लाइट में जो अलग अलग रंग होते हैं उनमें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी, सबसे कम तरंग लंबाई, कम तरंग लंबाई, इसको लैम्डा बोलते हैं तरंग लंबाई को, सबसे कम तरंग लंबाई किसकी है? तो वायलेट की है, यानी कि बैगनी किरण की सबसे कम होती है। और सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? सबसे अधिक तरंग लंबाई लैम्डा होती है रेड की, बाकी सब इसके बीच में है। तो यही दो खास करके आपसे पूछा जाता है, सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी और सबसे अधिक लाल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्पेक्ट्रम के सिरों के रंग को बताइए। सिरों के रंग कहने का मतलब है जो सिरा, यानी कि ऊपरी सिरा और नीचे सिरा, जो सबसे नीचे में क्या है बैगनी और सबसे ऊपर में क्या है रेड। तो अगर आपसे कहा जाए सिरों का रंग बताएं तो आप कहेंगे नीचे की ओर बैगनी और ऊपर की ओर लाल। फिर से बता दें, इनमें बीच में सबसे कौन है? येलो और ग्रीन सबसे बीच में, बाकी नीचे से ऊपर की तरफ। आप इस तरह से याद करेंगे, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां ये भी आ सकता है कि सात रंगों से मिलकर बना है तो फिर हमें ये दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि हवा में जब लाइट आता है तो ये सातों रंगों के किरणों का वेग एक समान होता है, इसलिए ये एक साथ रहते हैं, ये अलग अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें ये व्हाइट लाइट की तरह दिखते हैं। लेकिन ये जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजारने पर क्या होता है, ये सात अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनका वेग अलग अलग होता है। प्रिज्म यानी कि कांच, तो कांच से जब ये किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग अलग अलग होने के कारण
ये अलग अलग वेग से अलग अलग रास्ता ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से ये बीच में से गैप हो जाता, तब हम इसे एक सफेद पर्दे में इसे ले पाते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसे हम लोग कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहेंगे, प्योर स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें सभी रंग जो वो एकदम स्पेसिफिक अलग अलग आपको दिखेंगे। यहाँ वायलेट है, यहाँ इंडिगो है, ब्लू, ये एक के ऊपर एक दिखेगा, मतलब एक पर चढ़ा हुआ नहीं, सब क्लियर दिखेगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो जिस वर्णपट में सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन यही घटना हमारी प्रकृति में नेचुरल तरीके से घटती है। तो नेचुरल तरीके से क्या घटती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण दो। वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन कहा जाता है। प्राकृतिक उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, इसे हम लोग कहते हैं रेनबो। हम सभी ने रेनबो को देखा है। रेनबो कैसा होता है, जब भी कभी बारिश होती है और साथ ही साथ धूप निकला होता है, कंडीशन है बारिश के साथ साथ धूप होना चाहिए, तो जब भी ऐसा घटना होता है तो हम देखते हैं आसमान में एक अलग अलग सात रंगों की एक पट्टी दिखती है, सात या कुछ कम भी दिखेगी, मतलब रंगीन एक पट्टी की तरह दिखती है, इस तरह से स्फेयर के रूप में, ऐसा गोलाकार रूप में दिखती है, उसे ही हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष या रेनबो। तो ये इंद्रधनुष या रेनबो ये होती कैसे है, मान लेते हैं यहां बारिश हो रही है, आप यहां पर खड़े हैं, सूरज यहां पर है, तो बारिश जब होती है तो यहां पर एक जल की बूंद को मैं दिखा रहा हूं, ये मान लेते हैं जल का बूंद है, पानी की बूंद यहां प्रिज्म का काम करती है। इंद्रधनुष बनने के लिए प्रिज्म कहां से बनता है, प्रिज्म कांच का कोई प्रिज्म वहां पर रखा हुआ नहीं है, वो क्या है, पानी की जो बूंद है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। यहां पर जो पानी की बूंद है या जल की बूंद जो है बारिश में जो हो रही है, जल की बूंद ये क्या है, एक प्रिज्म का काम कर रही है, जल की बूंद प्रिज्म का काम कर रही है। यहां पर क्या होता है, ये सूरज से जब लाइट आता है, हमारे पीछे सूरज है, सूरज से जब लाइट आता है तो लाइट यहां पर टकरा कर और इस तरह से सात रंगों में बटकर, जो प्रिज्म के बाहर जब निकलता है सात रंगों में बटकर हमारे आंख तक पहुंचता है, तो हमें यहां पर सात अलग अलग रंगों की ऐसे पट्टी दिखती है। कभी कभी सात रंग की हमेशा नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें सब के सब रंग अलग अलग नहीं हो पाते, कुछ एक दूसरे पे मिल जाते हैं, इसलिए वायलेट इंडिगो एक साथ दिखेगा आपको, ब्लू ग्रीन एक साथ दिखेगा, येलो ऑरेंज एक साथ दिखेगा, तीन या चार कलर ही आपको दिख पाते, सब के सब रंग एक साथ नहीं दिख पाता। इसलिए इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर बन रहा है, रेनबो जो बन रहा है, ये एक प्योर स्पेक्ट्रम नहीं, ये इम्प्योर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। क्यों इम्प्योर कह रहे हैं, अशुद्ध वर्णपट क्यों कह रहे हैं, कि इसमें सभी रंग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देते हैं, कुछ रंग ही दिखाई देंगे और बाकी एक दूसरे से सब मिल जाएंगे, जैसे कि बैगनी नीला एक दूसरे से मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन एक दूसरे से मिल जाएगा, तो इसलिए इसे हम लोग अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। तो इंद्रधनुष एक अशुद्ध वर्णपट का उदाहरण है। तो वर्णपट क्या है, सफेद रंगों की पट्टी, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, सफेद पर्दा जो है जिसपे अलग अलग रंगों की पट्टी बनती है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक है प्योर और एक है इम्प्योर। प्योर स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है, जब हम लोग एक प्रिज्म से होकर किसी लाइट को गुजारते हैं तो हमें प्योर स्पेक्ट्रम मिलता है। और इम्प्योर कब मिलता है, तो हम लोग नेचर में प्रकृति में क्या देखते हैं, इंद्रधनुष जो बनता है कब बनता है, जब बारिश होती है और सूरज निकला होता है, यानी कि धूप रहती है, तो धूप की जो किरणें हैं वो बारिश की बूंदों से, बारिश की बूंद यहाँ पर क्या करती है, प्रिज्म का काम करती है, बारिश की बूंदों से टकराने के बाद जब हमें दिखाई देगी तो वो हमें एक अशुद्ध वनपट की सृष्टि करेगी, मतलब उसमें कुछ कुछ जो रंग है ये सब आपस में मिल जाएंगे, इसमें सात अलग अलग ऐसा हमें नहीं दिखता है। तो ये एक उदाहरण है अशुद्ध वनपट का, और प्राकृतिक उदाहरण आपसे कहा जाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, तो आप क्या कहेंगे, इंद्रधनुष ही कहेंगे। यहां पर इंद्रधनुष बनने के लिए जो प्रिज्म है वो क्या है, जल की बूंद है। शर्त क्या है, सूरज निकला रहना चाहिए, बारिश होना चाहिए, इसलिए ये घटना जो बहुत कम होती है, ऐसा घटना हमें जनरली जब बारिश होती है तो धूप निकला हुआ नहीं रहता है, तो ये बहुत कम होता है ऐसा घटना, इसलिए बार बार हमें ये रेनबो दिखाई नहीं देता, बहुत कम केसेस में आपको दिखाई देगा, हो सकता है अब तक आपने चार या पांच ही बार रेनबो को देखा होगा या उससे भी कम। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप गौर करेंगे तो आपको ये जरूर दिखाई देगा, जल की बूंद प्रिज्म का काम यहाँ पर करती है। सेकेंड टॉपिक है कलर ऑफ लाइट्स या कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं का रंग हम अलग अलग देखते हैं, तो किसी वस्तु का जो रंग होता है वो कैसा होता है, जैसे इसे देखिए, ये कैप आपको क्या कलर का दिख रहा है, रेड दिख रहा है, क्यों रेड दिख रहा है, बोर्ड आपको व्हाइट दिख रहा है,
ये आपको जो लिखावट है या ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, क्या कारण है इसका? तो कलर क्या चीज से होता है? हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग रंग है। तो देखिए ये रेड दिखने का कारण क्या, जब इस पर व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आने पर ये क्या करता है, सब उस व्हाइट लाइट में जितने भी रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सबको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सबको सोख ले रहा है, सिर्फ उसमें से रेड को ये बाहर छोड़ रहा है। तो वो रेड किरणें निकल रही है और हमारे आंखों पर पड़ रही, इसलिए हमें ये क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। समझ में? अगर ये ग्रीन होता तो ग्रीन क्यों दिखता? सबका सब रंग इस पर आ रहा है, व्हाइट लाइट पड़ रहा है, ये सब रंग को शोषित कर ले रहा है, सिर्फ ग्रीन को छोड़ता, इसलिए ये हमें क्या दिखता, ग्रीन दिखता। ये बोर्ड व्हाइट क्यों दिख रहा है? सातों रंग की किरणें, व्हाइट लाइट इस पर आ रही है, ये सातों रंग को शोषित कर रहा है, उसके बाद सातों रंग को वापस छोड़ दे रहा है। तो सब के संग जब रंग वापस जब छूट जा रहे हैं, तो सब वापस मिलकर क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट बनाएंगे। इसलिए व्हाइट कलर जो होता है वो सभी किरणों को छोड़ता है, इसलिए हमें वो क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। अब ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, कोई कलर ब्लैक क्यों होता है? इस पर व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आने पर यह सबको शोषित कर ले रहा है, किसी को भी छोड़ नहीं रहा है, कोई भी किरणों को ये बाहर नहीं आने दे रहा है। तो ये हमें क्या दिखेगा, कोई कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, कोई लाइट इसमें से नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो कोई भी बॉडी का जो कलर होता है वो उसके द्वारा छोड़ा हुआ रंग होता है, जितने रंग को वो शोषित कर रहा है और उसमें से सिर्फ एक रंग को वो बाहर छोड़ा, इसलिए हमें उसका रंग वो दिखता है। अगर लाल है, इसका मतलब वो सफेद के सब रंग को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ लाल को छोड़ रहा है। अगर वो पीला है, इसका मतलब वो सब रंग को शोषित कर ले रहा है, सिर्फ पीले को छोड़ रहा है। इसीलिए किसी भी बॉडी का जो कलर होता है वो हमको समझ दिखाई देता है। अब यहां पर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम एक लाल गुलाब को अगर हम देख रहे हैं तो वो सिर्फ लाल किरणों को छोड़ रहा है, इसलिए लाल दिख रहा है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक चश्मा पहने हुए, हरा रंग का हम चश्मा पहने हुए लाल गुलाब को हरे चश्मे से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा? आप लोग कभी भी ऐसा करके देख सकते हैं, आपको वो काला दिखता है। क्यों दिखता है काला? क्योंकि लाल गुलाब उस पर सातों रंग की किरणें पड़ रही हैं, मगर वो सिर्फ लाल को छोड़ रहा है। तो आपकी आंखों तक कौन किरणें आ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ लाल किरणें आ रही, मगर आपने चश्मा किस रंग का पहना हुआ, हरा रंग का पहना हुआ। तो ये जब लाल किरणें आपके हरे चश्मे के ग्लास में जब आएगी तो हरा रंग क्या करेगा, वो सब किरणों को शोषित करके सिर्फ हरे को ना छोड़ता है, मगर यहां पर तो सिर्फ क्या है, लाल आ रहा है, तो लाल को वो शोषित कर लिया, और छोड़ने के लिए उसके पास हरा है ही नहीं, हरा तो खुद है वो, तो वो लाल को शोषित कर लिया, तो वहां से आपको कोई किरण आती भी नहीं दिखाई देगी, तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इसीलिए लाल गुलाब को हरे चश्मे से देखने पर कैसा दिखाई देता है, हमेशा काला ही दिखाई देता है। या कुछ दूसरा रंग का भी होगा तो वो भी आपको काला दिखाई देगा। दो अलग अलग रंग का अगर एक चश्मा आपने पहना हुआ, अरे गुलाब और दूसरा रंग का, ये कोई भी फूल है दूसरे रंग का, तो आपको वो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आप कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।